नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं जौहर आपका दोस्त। मैं अपने चैनल आयुर्वेद जड़ी बूटी ज्ञान में आपके लिए लेकर आता हूँ झारखंड के सुदूर इलाकों से जड़ी बूटियों का खजाना। दोस्तों आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ राजबला का पौधा। राजबला का पौधा जिसका संस्कृत में नाम राजबला है, हिंदी में बनियार, फरीद बूटी, बंगाली में जुनका, मराठी में भुईबल भुईकना एवं गुजराती में भोयबल, नेपाली में बालू, उड़िया में विस्खपुरी, अंग्रेजी में लॉन्ग स्टॉक साइडा या स्नेक मेलो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह देखने में बला के तरह ही लगता है, किंतु यह राजबला है, क्योंकि बला छोटी होती है और ज़मीन में फैली होती है, जबकि राजबला पेड़ों पर या बागों में सर्वत्र खड़ी होती है और यह बहुत ही बृहद आकार में होती है। जबकि बला में चित्तेदार पत्ते होते हैं, इसके पत्ते गहरे हरे रंग के होते हैं। इसका पहचान करना बहुत ही आसान है। दोस्तों यह अजीर्ण यानी हमारे भूख न लगने में बहुत ही लाभकारी है। यदि इसके मूल का 10 मिलीग्राम यदि इसके मूल का स्वरस यदि हम पीते हैं तो हमारा अजीर्ण रोग मिट जाता है। यह हमारे मूत्र रोग में भी बहुत ही लाभकारी, यह हमारे शुक्र में यानी धातु चिंता में भी बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। यदि 2 माह प्रतिदिन 2 बार इस पौधे की जड़ के चूर्ण को 2 ग्राम चूर्ण को शर्करा मिलाकर यदि सेवन करते हैं तो शुक्र में यानी धातु चिंता में हमें लाभ होता है। दोस्तों यह अतिसार रोग में भी बहुत ही लाभकारी है। वैसा अतिसार जब महिला गर्भवती होती है और उन्हें अतिसार रहता है यानी उन्हें डायजेंट्री हो जाती है, तो भी इसके पत्तों का यदि रस का प्रयोग करें तो बहुत ही लाभ होता है। इसका एक बहुत ही अच्छा प्रयोग मैं बता देता हूँ। जो बच्चे अभी यौवन अवस्था में हैं और उनके चेहरों पर, उनके फेस में बर्रे जिसे कहते हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, तो यदि आप इसके पत्तों के रस को निकाल कर अपने पिंपल्स पे, बर्रे पे लगाते हैं तो यह आपके बर्रों को मिटा देता है, ख़त्म कर देता है। दोस्तों यह बहुत ही गुणकारी और लाभकारी पौधा है, जो बहुत ही ताकत देने वाला पौधा है। आप इसका प्रयोग यदि आप करते हैं तो यह आपके शरीर को बल देता है, ताकत देता है। इसी प्रकार बहुत सारी औषधियों और जड़ी बूटियों के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूँगा।